ये है दिल्ली दर्पण। दिवाली के मौके पर जहां कई लोगों ने जमकर मौज मस्ती की, तो वहीं कुछ लोगों की लापरवाही के कारण कई जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। इस दौरान दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आगजनी की घटनाएं सामने आई। दिल्ली में दिवाली की रात आग लगने की कुल 201 घटनाएं सामने आई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध होने के बावजूद लोगों ने पटाखे जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड के मुताबिक दिल्ली में दिवाली की रात आग लगने की 201 फोन कॉल्स आए। फायर ब्रिगेड के मुताबिक पीतमपुरा स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की सूचना मिली, जहां आग पर काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां भेजी गई। तो वहीं दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक फैक्ट्री में दिवाली की रात आग लग गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के वेदांता सोसाइटी की एक बिल्डिंग में करीब 10 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को सूचना मिली कि वेदांता सोसाइटी में 17वें फ्लोर पर एक फ्लैट में आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि 18वें फ्लोर पर भी पहुंच गई थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने दोनों फ्लैट की आग को बुझाया। हालांकि इस घटना में किसी को क्षति नहीं पहुंची, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सोसाइटी वालों का आरोप है कि इस दौरान सोसाइटी के किसी भी टावर में फायर उपकरण काम नहीं कर रहे थे। यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। सोसाइटी वालों ने अपना रोष दिखाते हुए एनएच को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेजा। ये पूरी घटना रात 3 बजे तक चलती रही। प्रियंका रॉय, दिल्ली दर्पण टीवी।